इंटीरियर डिजाइन और इंटीरियर प्रोडक्ट सेगमेंट में रोज बहुत ही ज्यादा रेवोल्यूशनरी चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। अब जैसे SPC टाइल को ले लो, मतलब फ्लोरिंग पे हर ट्रेंड में आप देख सकते हो और बहुत ही एस्थेटिक लुक देती है और लगती भी बहुत इजीली है, टाइम बहुत सेव हो जाता है। लेकिन आज जिस प्रोडक्ट की मैं बात करने वाला हूँ वो उससे भी तगड़ा रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, वो है परे का इजी प्लस सिस्टम। ये जो कंपनी है परे, इसका विजन ही है कि मेक इन इंडिया वाला, मतलब ये प्रोडक्ट यहाँ बनाएगी और बाहर वर्ल्ड तक बेचेगी। ये प्रेजेंट करना चाहती है इंडिया को पूरे वर्ल्ड में विद अपनी क्वालिटी प्रोडक्ट। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो ये जो सिस्टम है परे का इजी प्लस सिस्टम, ये मेरे हाथ में आ गया है। तो ये जो सिस्टम है परे का इजी प्लस सिस्टम, इसे आप डायरेक्टली वॉल पे लगा सकते हो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, ये इतनी बड़ी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है जिसे आप डायरेक्टली वॉल पे लगा सकते हो और ये सीमलेसली लगता हुआ चला जाएगा, मतलब आपको कोई जॉइंट भी नहीं दिखने वाला। और डायरेक्ट मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बाकी सिस्टम जब आप लगाते हो वहाँ पे प्लाई वगैरह लगानी पड़ती है, जिसकी वजह से आपकी कॉस्टिंग भी बढ़ जाती है, करीब करीब 40-50-60 रुपए स्क्वायर फीट की कॉस्टिंग बढ़ जाती है। तो ये जो सिस्टम है इसे आप डायरेक्टली वॉल पे लगा सकते हो, डायरेक्टली वॉल पे स्क्रू कर सकते हो और सीमलेसली लगाते चले जाओ। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ये जितने भी सेक्शन बने हुए हैं यहाँ पे आप स्क्रू कर सकते हो वॉल पे, ये स्क्रू के लिए है। और ये जो सेक्शन आप देख रहे हो इधर, दूसरे सेक्शन आके जुड़ जाता है, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो इस ये जो प्रोडक्ट है, कंपनी कहती है ये वाटरप्रूफ है, फायर रिटार्डेंट है, VOC फ्री है, मतलब बहुत सारी इसमें खूबियां हैं। वही चीज आज हम देखेंगे इस प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें हैं। तो मेरा नाम है महादेव त्यागी, आप देख रहे हो इंटरेक्टिव डिजाइन और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। मिलते हैं वीडियो में। सो ये जो प्रोडक्ट है जो फर्स्ट टाइम इन दी वर्ल्ड है, मतलब कंपनी कहती है कि अभी तक वर्ल्ड में ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, ये इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड है टोटली, मतलब वर्ल्ड में भी जा रहा है तो इंडिया के थ्रू जा रहा है, तो ये बड़ी प्राउड की बात है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो प्रोडक्ट है इसमें बहुत सारी खूबियाँ हैं जो हम आगे देखेंगे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इसकी है कि ये बहुत ईजीली लग जाता है, मतलब इतना ईजीली कि मैं आपको दिखाऊंगा, डू इट योर सेल्फ भी आप कर सकते हो और वो मैं खुद करके दिखाऊंगा आपको आगे। लेकिन इसको देखते ही हमारे जहन में सबसे पहले दो क्वेश्चन आते हैं, ये जो प्रोडक्ट है, ये आजकल के जो प्रोडक्ट चल रहे हैं क्या उनसे कम्पीट कर पाएगा, और दूसरा कि जो ट्रेंड चल रहा है 2023 का या आगे आने वाला जो ट्रेंड है उसमें ये सेट बैठेगा। तो ये दोनों प्रोडक्ट के आंसर आज हमें फाइंड करने हैं इस वीडियो। तो ये टोटली वाटरप्रूफ प्रोडक्ट है, तो इसी का फायदा आपको मिलने वाला है। अगर आप इसी वॉल पे लगाते हो जहाँ पे आपकी सीपेज की प्रॉब्लम होती है या फिर वो वॉल हमेशा गीली रहती है, तो मतलब वहाँ पे भी आप इसे इजीली लगा सकते हो, ये कभी भी डैमेज नहीं होने वाला, ये एक बहुत बड़ा इसका बेनिफिट हो गया है। और विद द टाइमिंग इसकी जो कोटिंग है वो भी नहीं जाने वाली, क्योंकि उसके साथ कंपनी दे रही है 10 साल की वारंटी। जी हाँ, इसके साथ आपको मिलेगी 10 साल की वारंटी, तो आपको फिट इट एंड फॉरगेट इट वाला मामला है, आप इसे लगाओ और भूल जाओ। और दूसरी चीज़ है कि ये फायर रिटार्डेंट है, मतलब अगर फायर आती है तो ये फायर कैच नहीं करेगा और उसे आगे प्रमोट नहीं करेगा, इसे ये रोक के रखेगा अपने तक, आगे नहीं जाने देगा। तो ये एक बहुत सॉलिड चीज़ है अगर एज अ इंटीरियर प्रोडक्ट देखी जाए तो। एंड बाकी देखा जाए तो ये VOC फ्री है, मतलब PVC खरीदते समय या लगाते समय हमें ये थोड़ा सा डाउट रहता है कि ये हार्मफुल तो नहीं होगा, तो ये टोटली VOC फ्री प्रोडक्ट है जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। और चौथी चीज़ जो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, ये है एंटी बैक्टीरियल, मतलब ये बैक्टीरिया को भी इवन प्रमोट नहीं करता है। सो इसका बेनिफिट क्या होता है, जितने भी हॉस्पिटल प्रेमाइसिस हैं, लैब वगैरह हैं, वहाँ पे भी आप इसको इंस्टॉल करा सकते हो। तो एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है जो बाकी प्रोडक्ट्स में देख लेंगे नहीं मिलती। अब आप सोचोगे इसमें इतनी सारी क्वालिटी है लेकिन ये PVC है, तो जाहिर सी बात है कि नॉर्मल प्रोडक्ट होगा और बहुत आराम से डैमेज हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसका इम्पैक्ट रेजिस्टेंट भी टेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, मतलब मैं मैनुअली करने वाला हूँ, तो चलिए। मतलब ये इतना तो सॉलिड है कि मेरे हाथ में लग गया है, इसे कुछ नहीं हुआ है, ये आप नज़दीक से देखो, इसे कुछ नहीं हुआ है। और एक चीज़ और चेक कर लेते हैं, जो PVC पैनल में नॉर्मली हमें देखने के लिए मिलते हैं ना, इसे ऐसे बैंड कर लेते हैं, तो ये देखो, इससे भी इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो भाई कह सकते हो आप ये सॉलिड प्रोडक्ट है, मतलब सही मायने में सॉलिड है। अच्छा, बात कर लेता हूँ मैं इसकी फिनिश की, तो आप ये देख सकते हो कि ये वुडन फिनिश में आपको दिखेगा, जहाँ पे वुड में टर्माइट वगैरह लग जाती है तो ये टोटली PVC होने के कारण इसमें टर्माइट का भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और दूसरी चीज़, जैसे आपने देखा आजकल पैनल्स आते हैं
एमएस वगैरह में भी आते हैं और कटिंग पैनल भी होते हैं, वो आप देखोगे ना, अगर लुवस वगैरह जो लोहे में देखोगे या एमएस में देखोगे तो वहाँ पे रस्ट का प्रॉब्लम आपको जरूर मिल जाएगा, चाहे आप कितना भी रेड ऑक्साइड लगा लो, यहाँ पे आपको वो प्रॉब्लम भी नहीं मिलने वाला है, तो उससे भी आप वरी फ्री हो सकते हो। तो इसकी क्वालिटीज तो बहुत सारी हो गई, अब बात कर लेते हैं ये किस शेप में आता है या किस डिजाइन में आता है। सबसे पहले आप जो मेरे पास देख रहे हो ये है लीनिया, मतलब ये प्रोडक्ट का नाम है लीनिया, जो कि परे का लीनिया प्रोडक्ट आता है। इसमें आप लीनिया किस लिए है, मुझे लगता है ये सीधे सीधे पैनल है तो इस वजह से इसको लीनिया नाम दे दिया गया है। दूसरा इसका प्रोडक्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो दूसरा प्रोडक्ट है इसका पिरामिड। तो यहाँ पे आप देखोगे ये ट्रायंगुलर कुछ शेप्स हैं, तो इस वजह से इसको पिरामिड का नाम दे दिया गया है। यहाँ पे भी आपको स्क्रू के लिए जगह मिल जाएगी, और ये कलर आप देख लोगे वुड से डिफरेंट है, तो मैं लास्ट में आपको सारे कलर्स फोल्डर्स वगैरह दिखाऊंगा ताकि आपको पता लग जाए इतने सारे कलर रेंजेस जो ये कंपनी दे रही है बाकी कोई नहीं दे रहा है, तो आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसकी इंस्टॉलेशन भी मैं आपको थोड़ी देर में दिखा दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं ये दिखाता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया ये सीमलेसली लगता हुआ चला जाता है, वो कैसे होता है सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसका इंटरलॉकिंग। मतलब मान लीजिए वॉल है, मैंने यहाँ पे इस वॉल का स्क्रू कर दिए और इसके बाद मुझे दूसरा पैनल लगाना है। मैं आपको इसलिए दूसरा पैनल दूसरे कलर का दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि कोई भी पैनल हो तब भी इसमें जॉइंट का पता नहीं लगेगा और ये सीमलेसली लगता हुआ चला जाएगा। ये ऐसे इसे रखेंगे, यहाँ पे ये पैनल लॉक है मान लीजिए, इसके बाद ये पैनल ऐसे लग जाएगा। तो अब आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर आपको कोई भी जॉइंट नहीं दिख रहा होगा, मतलब पता ही नहीं चल रहा होगा ये कहाँ से मैंने जोड़ा है, बस कलर की वजह से पता चल रहा होगा, वो मैंने जानबूझ के करा है, बाकी आपको पता नहीं चल रहा होगा ये कहाँ से जुड़ा है। अगर ये सेम कलर का पैनल होगा तो ये बिल्कुल कंटिन्यू लगेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ से जुड़ा है, वो मैं आपको इंस्टॉलेशन में दिखाता हूँ थोड़ी देर में। अच्छा, दूसरी चीज़ इसकी एक बहुत खास बात जो मुझे बहुत पसंद आई, आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो इसमें। मतलब ये जितने कलर के पैनल आते हैं लीनिया एज वेल एज पिरामिड, आप उसको जोड़ के अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकते हो, मैं दिखाता हूँ। तो मान लीजिए ये लीनिया आपने लगा दिया फिक्स, और उसके बाद ये आपका पिरामिड आप लगाना चाहते हो, तो अभी ये देखो, मतलब कितना अच्छा लगेगा ना जब आप अपनी वॉल पे तीन चार पैनल ये लगाओगे, सेंटर में दो तीन पैनल ये आ जाए, फिर ये तीन चार पैनल बुट के आ जाए, तो व्हाट अ कॉम्बिनेशन, मतलब यू कैन इमेजिन, बहुत ही ज़बरदस्त लगने वाला है। मैं खुद ट्राई करूंगा इसको, मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है कॉम्बिनेशन कि इसमें सिल्वर इफेक्ट भी आ गया, बीच में वुड आ गया और ये हाईलाइटेड आ गया, तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है ये वाली। और सेम इंटरलॉकिंग है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जॉइंट का भी कोई पता नहीं चलेगा। अब चलते हैं इसकी इंस्टॉलेशन देख लेते। मैंने आपको बताया दो तरीके के पैनल है, एक पिरामिड हो गया, लीनियर हो गया। सबसे पहले आप देखोगे इसके साइजेस क्या है, मतलब ये लीनियर वाला जो है ये आपको मिल जाता है 30-60 और इंटू 150, मतलब ये एमएम में आप बात कर रहा हूँ मैं। और ये वाला जो है ये आपका पिरामिड वाला, ये आपको मिल जाता है 30-60 इंटू 140। तो मैंने जैसे आपको बताया ये टोटली वाटरप्रूफ है, तो आप देख रहे हो मेरे पीछे एक वॉशरूम का जहाँ की टाइल हमने हटवाई है अभी, और यहाँ पे हम इसलिए लगवा रहे हैं ताकि प्रॉपरली पता चल जाए यार कितने लेवल तक वाटरप्रूफ है, क्योंकि मैक्सिमम एक्सटेंट तक वाटरप्रूफ है तभी ये टॉयलेट में सर्वाइव कर पाएगा। तो ये जो मेरे सामने आप वॉल देख रहे हो ये करीब 7.5 फुट लंबी है, मतलब ऊंची कह सकते हो आप, और चौड़ी है 3 फुट 4 इंच। यहाँ पे आप देखोगे मतलब जो सरफेस है हमारा, जो आपका एंड सरफेस होगा, दीवार वगैरह जो भी होगा, सीधे एंड सरफेस पे लगाना है, उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं लगाना है। ये जो आप प्रोफाइल देख रहे हो ये साइड प्रोफाइल है, जहाँ पे आपको इसको एंड करना है तो बड़े अच्छे तरीके से आप इसे एंड कर सकते हो। ये भी ऐसे ही लगेगा प्रोफाइल में कि वो पैनल पूरा कंप्लीट हो गया। तो ये प्रोफाइल लगने जा रही है हमारी, नॉर्मल एक ड्रिल मशीन में स्क्रू लगा के अपने आप भी स्क्रू कर सकते हो। और सबसे पहले प्रोफाइल इसलिए लगाते हैं ताकि जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ से हमारा पूरा प्रॉपर मार्जिन मिल जाए, तो यहाँ पर प्रोफाइल लगा दी, उसके बाद हम पैनल लगाने स्टार्ट करेंगे। तो ये जो हमारा पैनल है ये हम कट करेंगे हमारी 7.5 फिट की जो वॉल थी उसके अकॉर्डिंग। तो जब आप ये दो पैनल लगा रहे हो या दो से ज़्यादा पैनल लगा रहे हो तो आप यहाँ पे देखोगे ये पैनल है जिसमें 3 लेयर्स आ जाती है, वो तो साइज़ के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। ये जो चीज़ है ये आपको पता है स्क्रू के लिए है, यहाँ पे प्रॉपरली आप इसे वॉल पे स्क्रू कर सकते हो, उसके बाद ये चीज़ बिल्कुल नहीं दिखाई देगी और कहीं पे नेल वगैरह कुछ भी नहीं दिखाई देगी। मैं अभी ये दिखाता हूँ आपको, ये प्रोफाइल लग गई है हमारी, आपने देखा होगा ये इस तरीके से प्रोफाइल लग गया। अब प्रोफाइल के अंदर ये कैसे लगेगा मैं पहले आपको वो दिखाता हूँ, फिर ये पैनल आपस में कैसे जॉइंट होंगे वो देखो। तो ये इस तरीके से आप देखो ये प्रोफाइल के अंदर सेट हो जाएगा भैया। ये जो पैनल है ये हमने लगा दिया था, इसके बाद हम ये वाला पैनल लगाने जा रहे हैं और बहुत ही ज्यादा इजीली आप इसको इसमें लगा सकते हो, क्लब कर सकते हो। तो ये जो इंटरलॉकिंग है सिंपल जाके इसमें फंस जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ कितना इजी। ये आपको अब पता भी नहीं लग रहा होगा कि इसका जॉइंट कहाँ था, कोई लाइन नहीं है, कोई भी नेल नहीं दिख रही है,
और सीमलेसली आपको दिखेगा बिल्कुल एक ही पैनल, और इसी तरीके से जब ये पूरा बन जाएगा तो भी सीमलेसली लगेगा। और आप देखोगे यहाँ पे जैसे हमने वॉशरूम वगैरह में लगाया है, तो एक चीज में और इसका बेनिफिट बताया तो आपको, ये एंटी बैक्टीरियल होता है, कोई भी मतलब वैसे बैक्टीरियल वाली एक्टिविटी इससे दूर ही रहेगी, दूर भागेगी। और एक बहुत अच्छी चीज, जैसे हम अभी लीनिया लगा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप लीनिया के साथ पिरामिड क्लब नहीं कर सकते हो, आप अपने जितने मर्जी चाहो डिजाइन बना सकते हो क्लब करके। तो ये इजी प्लस प्रोडक्ट, मैंने बोल दिया DIY कर सकते हैं, और आप सोचोगे इसने तो बोल दिया, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मैं खुद लगा के दिखाता हूँ आपको। मैंने ये पैनल लिया कि मेरे साथ में है, देखो सबसे पहले आपको इसको नीचे की तरफ प्रोफाइल में फंसाना है तरीके से, ये देखो, और फिर आपको ये ऊपर की तरफ थोड़ा सा ऐसे फील्ड करके कोई, ठीक है, ये यहाँ पे लग गया है, यहाँ पे इसे मुझे स्लाइड करना है, ठीक है ना, और ये जो इंटरलॉकिंग है ये सही कर देनी है, ठीक है, और ये पैनल मैंने लगा दिया। एंड यहाँ पे जो स्क्रू मारने हैं वो भी मार के दिखा देता हूँ, कल कहोगे पैनल लगाए स्क्रू नहीं मारे, ये देखो ये मशीन है, ये नॉर्मल बिट है, ये मेरे सामने है, यहाँ पे मैंने लगाई, और ये तो है ना बहुत ही ज्यादा इजी प्लस। तो ये मैंने लगाया आपके सामने DIY कर, ये हमारा इजी प्लस लीनिया कंप्लीट हो चुका है, और आप देखोगे बहुत ही प्रीमियम लुक निकाल के ला रहा है, दो लाइट के साथ बहुत ही अच्छा लुक निकल रहा है, एस्थेटिकली डिजाइन वाइज और कंपोजिशन आप जो देख रहे हो सीमलेस है, कहीं पे भी जॉइन नहीं दिख रहा है, बहुत प्यारा डिजाइन लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता। यहाँ पे लगने जा रहा है हमारा पिरामिड इजी प्लस, और ये देखोगे आपके ये फ्रेम हो गया है, अब फ्रेम होने के बाद यहाँ पे हमारा एक्चुअली टाइल लगा हुआ था, या आप इसे टाइल के ऊपर भी लगा सकते हो अगर आप चाहो, तो ये हम अब लगाने जा रहे हैं इसको। मेरे पीछे आप देख रहे हो लग रहा है पिरामिड का मार्बल कनेक्शन, और लिटरली देखोगे बिल्कुल ऐसे लग रहा है मार्बल है, और मार्बल में ये वाला डिजाइन आपको वैसे नॉर्मली नहीं मिलता है, लेकिन बिकॉज ऑफ इजी प्लस ये आपको मिल जाएगा। और ये मैं कंप्लीट करके दिखाता हूँ आपको, फिर मैं कंपैरिजन दिखाऊंगा कि इधर मेरे जो है वो देखोगे आप टाइल लग रही है, और इधर लगेगा पिरामिड का मार्बल कनेक्शन, तो ये देखेंगे कि कौन सा बेटर लग रहा है, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता। तो ये हमारा लग गया है पिरामिड, और आप देखोगे कितनी जबरदस्त लुक आ रही है, और एक बहुत बढ़िया चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे एक एल बन रहा है, और पैनल हमारा छोटा होता है लेकिन एल का भी आपको पता नहीं चलेगा, बिल्कुल जॉइंटलेस। अब मैं दिखा देता हूँ कि ये कंपनी इसके कितने सारे आपको ऑप्शंस दे रही है, मतलब बाकी जगह आप देखोगे तो नॉर्मल वही वुड रिपीटेड पैटर्न मिलता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो कितने सारे ऑप्शन है, और अभी मैं आपको एक्चुअली दिखाता हूँ एक एक ऑप्शन कैसा है। तो ये वाला जो है ये है लीनिया का फोल्डर, इसमें आपको कलर दिखा देता हूँ पहले मैं ऑप्शन, मतलब इस तरीके से सीमलेसली लगता हुआ चला जाएगा, ये स्पेशल प्रोडक्ट है, मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, अभी फिलहाल इसको रोल कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो वुड पैटर्न है ग्रे वाला, और बाकी सारे वुड पैटर्न है, इधर भी वुड पैटर्न मिल जाएंगे आपको अलग अलग शेड में, मतलब वैरायटी है आप पे, छः छः आपको वुड पैटर्न मिल जाएंगे। ये जो कलेक्शन है इधर वाला मैं आपको दिखाऊँ, ये पर्सनली मेरा फेवरेट है, मार्बल कनेक्शन है, अरमानी ग्रे वगैरह, और ये ब्लैक में है, बहुत ही प्यारा लगता है। और ये जो है हमारा ये एक प्रीमियम रेंज हो गई, जैसे कॉपर सिल्वर और गोल्ड जितने भी जो मेटल कलर होते हैं वो ये यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। टेक्नोलॉजी की अगर बात हो रही है तो आपको एक बहुत प्यारी चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो ये जो फैब्रिक वाला कलेक्शन है इतना ओरिजिनल लग रहा है, मतलब लिटरली आप इसे फील भी कर सकते हो अगर आपके पास होता तो, और हो सकता है अगर आप इसे ऑर्डर कर दोगे तो, और ये देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है, मतलब ओरिजिनल फैब्रिक का फील दे रहा है, जल्दी इसमें और भी कलर आ सकते हैं। ये इसके फीचर्स हैं जो कैटलॉग में दिए गए हैं, और इसकी साइजिंग जैसे मैंने आपको बताया था 30/60x150, तो ये थोड़ा एक्सप्लेन हो रहा है इसमें। और अब हमारे पास है इसका पिरामिड कलेक्शन, तो इसे देख लेते हैं। तो ये वाला पिरामिड कलेक्शन है, ये वही सारे कलर है जो आपको लीनिया में मिल जाते हैं, और ये मेटालिक है। यहाँ पे आप देखो फेवरेट वाला ये मार्बल कलेक्शन जो है ये बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही एस्थेटिक लगता है लगने के बाद, अरमानी ग्रेस का नाम भी आ रहा है यहाँ पे, और बाकी नाम भी आ रहे हैं। यहाँ पे देखो ये वाला जो है ना, इसकी आपको लाइंस भी दिखेंगी एक्चुअल, जो मतलब प्रिंटिंग इतनी सही है कि यहाँ पे भी प्रॉपर प्रिंटिंग हो रही है। ये जो दोनों प्रोडक्ट हैं लीनिया और पिरामिड, ये देखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं, एस्थेटिक लगते हैं, और जो मैंने आपको मार्बल वाला दिखाया जो लगा के इंस्टॉल करके दिखाया, वो एक्चुअल में मतलब टाइल से ज़्यादा अच्छा लग रहा है मार्बल लुक, वो भी पिरामिड का। ये जो प्रोडक्ट है तो इसके बारे में सबसे पहले हमने दो सवाल रेज करे थे, पहला सवाल था कि क्या ये अपने कॉम्पिटिटिव ब्रांड से या कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट से
कंपीट कर पाएगा, तो मुझे लगता है इसका कंपैरिजन ही नहीं करना चाहिए उनसे, क्योंकि ये उनसे सुपीरियर क्वालिटी लगा मेरे को। मैंने पर्सनली आपको ये दो तीन चीज़ें दिखाई, एक्सपीरियंस कराई, तो मुझे पर्सनली लगा कि इसका उनसे कंपैरिजन करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये उनसे क्वालिटी ही बहुत डिफरेंट है, बहुत सुपीरियर है। और दूसरा सवाल ये है कि ये जो ट्रेंड से जो आजकल ट्रेंड चल रहा है उसमें सेट बैठ पाएगा, तो मुझे लगता है ये जो आजकल 2023 का ट्रेंड चल रहा है या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो रही है रोज़, उसमें काफ़ी आ गया, तो ये बिल्कुल प्रॉपरली ट्रेंड में सेट भी होता है और आगे तक चलने भी वाला है। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की। तो अगर इस प्रोडक्ट की प्राइसिंग की बात करूं मैं, तो ये आपको मिल जाएगा करीब 260 रुपये स्क्वायर फीट, और अगर आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप कंपनी से डिस्काउंट के लिए भी बात कर सकते हो। सारी डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और कंपनी के नंबर है वो स्क्रीन पर फ्लैश भी हो रहे हैं, आप वहाँ जाके कंपनी से बात कर सकते हो डिस्काउंट की भी, और अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए इसके रिगार्डिंग तो भी आप कंपनी से बात कर सकते हो, मेल कर सकते हो, उनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हो, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप इस प्रोडक्ट के बारे में और भी जानना चाहते हो तो इनके फेसबुक पेज वगैरह को विजिट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर भी इन्हें फॉलो कर सकते हो, जाके इनकी स्टोरीज वगैरह देख सकते हो, जिससे आपको पता चलेगा कि इस प्रोडक्ट के बारे में और क्या क्या चीज़ें होती हैं, फिर वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। और फिलहाल मैं अपना इंस्टा भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप मुझे वहाँ पे जाके भी फॉलो कर सकते हो, और कोई भी क्वेरी हो मुझसे भी पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, वो भी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल वीडियो कैसा लगा आपको मेरे को ज़रूर बताना है, और वीडियो पे एक लाइक भी छोड़ देना है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, फिलहाल के लिए सी यू नेक्स्ट टाइम।